भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, सुबह उठा पॉटी किया, पैंट पहना चले आए। चल बैठ ही ना, निकल दे रे। वाह, अमेजिंग हमारा स्टॉप। अरे वो क्या हुआ? वो कहाँ फंसे? उधर स्लोप में। कौन? ये पूरा सीटा वही फंसे ना? हाँ, वो जो गाच का पेड़ का पत्ता, वो भांग का पत्ता था कुछ। उधर अब लोग भी फंसे? हाँ, मेरा फंसा। मेरा नहीं फंसा, गुरादा रास्ता निकला, मैं पीछे से निकल गया। हमें वो ठेलते बोली। हाँ, गुरादा को मैं बोला ठेलो ठेलो, बोले ना भाई नहीं देगा। हम तो यही तरीका ऐसे हमारा अभी टेक्निक यही रहेगा, प्लान 300-400 मीटर जाएंगे, फिर गिव सम रेस्ट टू आवर बाइक, देन अगेन विल गो। बता द सुपर ह्यूमन तो आ गया। नज़ारे देखो क्या बढ़िया लग रहा है। हर 2 मिनट में सबका बाइक फंस रहा है, बहुत खतरनाक ऑफर है भाई। लगेगा लगेगा क्या करते हो?
वॉकिंग। भाई कभी आराम नहीं किया भाई, 10 मिनट फट गया। इट्स वेरी टफ। अगर री राइड सक्सेसफुल होता है वन ऑफ द बेस्ट राइड होगा। इतना बढ़िया नज़ारा वाह। और ये बढ़िया बढ़िया ऑफ रोड। आफ्टर एवरी टफ क्लाइम हम लोग दो दो चार चार मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, बाइक को भी थोड़ा ठंडा होने दे रहे हैं, सो फिर चलेंगे अभी। रबदा का बाइक बहुत बुरी तरह का फंस गया था, पूरा डायगोनल शेप में। फाइनली निकल गया। बढ़िया। पैंट फट गया नीचे से और ज्यादा। उठा भी संभव हो आज भी। और चलो 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 लंबा कर अभी हम लोग ओट्स मिल खाएंगे। सुबह से ब्रेकफास्ट कुछ खाया नहीं है। करना हो जाएगा 4-3 दिन खाएगा ना काफी पानी में। जगह चाहिए तो पूरा व्हाट्सएप पे फिल अप कर देना, जगह का हक मिलेगा पानी का। जोर से तेरी ना जोर की मतलब पूरा जी कुछ नहीं करना है, बस घूट मारना है 2-3। हां मारना है बहुत होते ठीक है तो माल। अरे ना 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 कौन है खड़े हो। आ रहे हम भी ऊपर आ रहे हैं। कुछ बोलिए बस काफी हो गया।
सो अभी हम काल पोखरी तक जा रहे हैं ओट्स खाने के बाद फ्रेश एनर्जी के साथ। ये आ गया एक ऑफ रोड। मेरे को भी आप खेल दोगे? आपको भी हम खेल दोगे। भाई एक्सेसिव रेस मत देना। चलो अभी तो चलो। बस बस रुको 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 रोक दो खेलेगा रुको। थोड़ा पीछे आओ। उतरो उतरो आप उतर के पीछे आओ। आपका वेट के साथ नहीं। ये काम करते हैं इसी में चलते ना खेलते हुए लेके जाएंगे एक आदमी। इसी में चलो है तुम्हें तो पायर जोड़े खानिकटा तुले चले पीछे करो पीछे थोड़ा पीछे खींचो। हाँ अभी अभी ठेल के उठाएगा ठीक है। हल लगाओ ठेलो। गलत है जैसे ठेलो वो साइड से। वेट 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 पड़े वेट ठेलो ठेलो साइड से चलो। ओके इतनी बार जो बाइक फंस रहा है। चलो तो मेरी बारी। तीन चल गया चौथा जाएगा अभी। ये लाइन से पत्थर है आगे पत्थर है आगे। वो आगे वाला भी घूम जा। वो आगे में हाँ निकल के पापा ही ऊपर तो खराब है। घर दिख रहा है वो इंडिया है वो काला जो दिख रहा है।
वो बॉर्डर है, हमको उधर जाना है। काफी सारे ब्रेक्स हो रहे हैं, बैक स्केट कर रहे हैं, इंक्लाइन में चढ़ नहीं रहा है, बट स्टिल विथ लॉट्स ऑफ होप एंड करेज एंड कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं, पहुंच पाएंगे बोल के। बारिश दे दिया, दैट्स व्हाई स्लश हो गया, सो नहीं जा पा रहे अदरवाइज। इतना टफ नहीं होता, रिलेटिवली इजी होता जाने के लिए। फिर से एक और बाइक हमारे खेत में फंस गई, चलो ये निकल गई। तो ये है वो सबसे खतरनाक स्ट्रेच, आगे जाके तीन बाइक रुक गया, एक एक करके जाना पड़ेगा इसमें। पानी में खड़ा हूँ ताकि टायर थोड़ा सा धुल जाए, मट्टी निकल जाए, फॉल है यहाँ पे, बड़ा अटक गया, चल के लेके जाना पड़ रहा है। ए गया, नहीं जा रहा है, चलो एक मिनट एक मिनट। ठेलो ठेलो ठेलो, पता नहीं अब इतना आ गया, वैसे जाएगा ऊपर से ना, बाद में देखो हटी उधर लगा रहा। उधर कहाँ लगाएगा? उधर हटाया कहाँ से? वो पहले भी इधर उधर तो चलो आज में एनर्जी नहीं यार। कौन अब आकर निकाल के ले गया दूसरा भाई। रुक जाओ प्रतिता, रुक जाओ, नहीं जाएगा, थोड़ा पीछे कर लो, नहीं जाएगा, पीछे करो, पीछे करो थोड़ा, नहीं जाएगा वैसे। पीछे करो, आओ धक्का मारो, पीछे नहीं भी किया जा रहा नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, पीछे करना पड़ेगा बहुत। इक पे हाथ लगा, टकटक तू बे इखने पे आता
ओके रिमोट हर स्लज में नया नया एक्शन प्लान ये एग्जीक्यूटिंग है बस थोड़ा सा तीन बाइक चला गया चौथा मेरा फट रही है एक तो थक गया ओके दूसरा सबसे खतरनाक जो इंक्लाइन बोल्डर स्लज है यही है अपना बारी अभी तूफान चल भाई बड़ा पत्थर एक आ जाओ धक्का लगाओ इधर से लेके जाएगा थोड़ी आराम के बाद फिर चलते रहे सबसे अगर कोई टफ इंक्लाइन स्ट्रेच था तो यही था होपफुली आगे ऐसा ना मिले और क्या लगता है दोस्तों हम लोग जा पाएंगे संदकपुर तक या फिर कालपोखरी तक लक्ष्मी हर दूसरा मोड़ के बाद स्टॉपेज है फिर जाएंगे दो मोड़ फिर स्टॉपेज
थोड़ी सी खुशी, काफी ऊपर आ गए, हरियाली। तो गाइस आगे अगर आपको दिख रहा है घर, दैट्स बीन कालपुखरी, हम पहुंच गए। एंड दिस साइड यू कैन सी दैट्स अ याक, स्मॉल याक, बेबी याक, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल वैली। सो दैट्स साइड इंडिया बॉर्डर, ऐसा बोल रहे थे, वहां जाके देखते हैं। ओके चलो फिर। हेलो, क्या लगता है आपको, जा पाएंगे आगे? एक साइड में बहुत ज़्यादा ट्राई किए, पूरा घास है, मिट्टी गीली मिट्टी, स्केट कर गए। आगे में इंक्लाइन स्ट्रक्चर इसको निकालना पड़ेगा। दस गया हिमालय, इसको उठाने आ रहे हैं। अरे वो देखे तुले दीछे, हम उठते खींचे गए, तो तीन लोग आएगा। तो यहाँ हमारे प्रतीक दा काफी बुरी तरीके से फंस गए। प्रतीक दा, हाउ इज द जोश? এটা কি গাড়ি তে বসে হবে না, জোশ ইজ অলওয়েজ হাই, বাট দ্য রোড ইজ মোর দ্যান ওয়ার্ডস। মানে ভি হাই হ্যায় নেই, সবকো নিকাল দেগা, সবকো নিকাল দেগা। चलो हम देखेंगे बैठ के, अभी आराम से मजे लेंगे। हो गया चलो। धक्का धक्का जोर लगाते, हो गया, निकल गया। चलो अभी मेरी बारी, चलो थोड़ा सा
नहीं नहीं वो साइड से लाना रिस्की है, हमारा पाँव नहीं आ रहा है। हेलो वंस अगेन, अभी हम कालू पुखरी में हैं। सो गाइस, थोड़ा रिलैक्सेशन के बाद फिर से आ रहे हैं कैमरे के आगे। सो दिस इज कालू पुखरी, हम कालू पुखरी तक आए हैं अभी। अभी टाइम हो रहा है 1:20, ऑलमोस्ट लाइक 12:30 को यहाँ पहुँच गए थे हम लोग। सो 5 किलोमीटर आने को हमको कम से कम 7 बजे निकले थे, 5-5.5 घंटा लग गया। ऐसा ऑफ रोड कहीं नहीं देखा। दिस इज द बोट कालू पुखरी, और ये ऐसा रूट देखो, ऐसा ऑफ रोड से हम अपनी 4 हिमालयन चला के थक गया है भाई पूरा, चला के धक्के मार के स्लश में बोल्डर्स में चला के लेके आए। मेरे वीडियोस में देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल्स में है। सो अभी यहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है, इफ़ यू कैन सी हियर, पूरा फॉग है, बारिश की बूंदें भी कुछ गिर रही है। सो वी हैव डिसाइडेड कि संतकपुर हम नहीं जाएंगे, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट इसका रीज़न ये है, एक तो हम डेड टायर्ड है, सुबह 7 बजे से ऐसा ऑफ रोड में बाइक चला रहे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारी बाइक अभी तक सेफ है, कुछ भी उसमें इशू नहीं आया है। बट आ सकता है क्लच का प्रॉब्लम, क्योंकि हम जब आ रहे थे तब हमने काफ़ी सारी बाइक्स देखी थी जिसमें क्लच का इशू आया, सबका क्लच प्लेट जल गया, तो गाड़ी में उठा के लेके गए आधे रास्ते से। सो अभी हम वही करेंगे, पिकअप वैन मंगाए हैं, एक एक गाड़ी में 2-2 गाड़ी डाल के लेके जाएंगे। एडवेंचर जो था वो हो गया, सेटिस्फाइड, आगे भी इसी तरीके का मिलेगा। सो रिस्क लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। और मेन इशू क्या हुआ, मौसम ख़राब था, बहुत बारिश हो रहा था, तो पूरा पानी है, अदरवाइज हम आगे ऊपर ट्राई कर सकते थे। फॉग हो गया तो विजिबिलिटी भी चला गया। जो लोगों ने संदकपुर चले गए, रियली हैट्स ऑफ टू डैम, हम नहीं जा सके अनफॉर्चुनेटली। एनीवे विल सी इन फ्यूचर जा सके तो। सो यहाँ पे होटल में विल हैव अवर फूड, राइस, सब्जी, ऑमलेट, 3 egg omelet। उसके बाद हम यहाँ से इलाम तक गाड़ी को लेके हुए जाएंगे। अभी मैं नेपाल बॉर्डर में चल रहा हूँ, अभी नेपाल बॉर्डर से हम जाएंगे अपने देश इंडिया बॉर्डर। यहाँ पे पूजा हो रहा है, कुछ मॉन्क्स को देखा था। सो दिस इज थैंक यू, धन्यवाद बोर्ड है, एंड नाउ वी आर इन इंडिया। ये इंडिया ना भाई, ये नेपाल है, इंडिया किधर है, किस तरफ, आगे आगे, सॉरी मेरे को लगा यही है। कहाँ पहाड़ी में, पोखरी, सॉरी ये नहीं है इंडिया बॉर्डर, थोड़ा आगे है। यू कैन सी हियर दार्जिलिंग इज 52 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मन तो कह रहा है यहीं से निकल जाए, बट अलाउ नहीं है। वाओ, अच्छा ब्यूटीफुल पॉन्ड है। सो दिस पॉन्ड बिलोंग्स टू इंडिया। वाओ, मेस्मराइजिंग, एब्सोल्यूट ब्यूटी। सो वी आर वॉकिंग इन इंडिया नाउ। भारत माता की जय। गौरव दा, मैं बाइक कैसा चलाया, अच्छा बाइक चलाया भाई, अच्छा चलाया,
थैंक यू। 10 में से कितना देंगे? 10 में से अभी तक तो 10 ही है। 10 ही है। अरे आपको भी बहुत थैंक यू। गौरव दा का टांग इतना लंबा है, आराम से हमारा बाइक निकल दिया जहाँ जहाँ फंस रहा था। तो प्रतीक दा, यू वांट टू ऐड समथिंग? ये लीजिए माइक। Now Pratik da will share. No, I don't know. Office experience. Do not. I do not want to say much. I would ask people to come down here. Come down. Execute first their biking skills and then come up with their own experience. I do not want to say much. Exactly. Insane off roading. Unbelievable road. But at the end of the day, when you climb up to this top, this is fantastic. This is fantastic. It's absolutely peaceful. Excellent environment. But back of the mind, as a rider, as a biker, the feel of riding on off-road was fantastic. It was mind-blowing. From India. The weather here, pura foggy ho gaya. Jitna fog ho raha hai, jitna mausam kharab ho raha hai, man ko sukoon ho raha hai. Kyunki aage na ja paane ka dukh to man mein hai. बट ऐसा मौसम में वो डिसीज़न लेना एक वाइज डिसीज़न है। ये ट्रैक में आ सकते हैं अगर बारिश नहीं है, धूप है, रोड है, ठीक है, स्लश ना हो तो आ सकते हैं आराम से। इस काल पोखरी में हमने बहुत अच्छा खाना खाया। सो ये है दीदी का किचन और दीदी यहाँ खड़े हैं। सो ये दीदी का यहाँ होम स्टे है। दीदी थोड़ा बताइए अपने होम स्टे। कितना जन रह सकता है दीदी यहाँ पे? 16 आदमी तो रह सकता है ना? ओके। नया बना रहा है। अच्छा वो जो बन रहा है ना? ओके ओके। जो आके हमारी तरह यहाँ अगर फंस जाता है और सोचता है कि तो संदकपुर जाएगा ऊपर, तो यहाँ रात को रह सकते हैं, अच्छा खा पी सकते हैं। किचन देखेंगे। यहाँ पे प्रतीक दा का जैकेट सूख रहा है। So this is the intensity of the rain. You can see. हम थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे संदकपुर कल जाएंगे, बट This seems impossible now. यहाँ आग जल रहा है, हम आग सेक रहे हैं। आज रात को यहीं पे स्टे करेंगे क्योंकि जो रूट से हम आए हैं वहाँ पे एक लैंड रोवर का टायर अनमाउंट हो गया, खोल के निकल गया। सो रोड ब्लॉक हो गया, हम जो पिकअप वैंस को मंगाए थे वो ऊपर नहीं आ पाएगा। सो आज करा यहीं स्टे करेंगे, फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से अपने बैग्स को पिकअप ट्रक में डाल के नीचे चले जाएंगे। वही सबसे बेस्ट सूटेबल आइडिया है। अभी कुछ नहीं कर सकते, इतना बारिश हो गया दीदी ना, अभी रास्ता तो और ख़राब हो जाएगा, है ना? आने का टाइम ख़राब है, जाने का टाइम तो और ख़राब हो जाएगा। रास्ता बोल रहा हूँ और ख़राब हो जाएगा, अभी तो चंदापुर का रास्ता तो बदतर हो जाएगा। सो हम जा भी नहीं सके, यहीं बैठ के दीदी का हाथ का खाना खाएंगे, आग सेकेंगे। दैट्स ऑल। सो गाइस, दिस इज़ आवर रूम फॉर टुनाइट। इतना रिमोट प्लेस में हमको इतना अच्छा एकोमोडेशन मिला, दैट्स वेरी अप्रिशिएबल। सो आज की रात यहीं बिताएंगे, कल का कल देखेंगे क्या करना है।